हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर. आज हम बेकेलाइट और नायलॉन 666, नायलॉन 66 पॉलीमर के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे इनका प्रिपरेशन किया जाता है और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है. पहले देखते हैं बेकेलाइट. बेकेलाइट देखिए, एक पॉलीमर है जो कंडेंसेशन मैकेनिज्म यानी संघनन मैकेनिज्म के द्वारा बनता है, और यह यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन के द्वारा बन सॉरी फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन के द्वारा बनता है. फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, इसलिए इसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं. फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं. क्लियर? क्योंकि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन, ये रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम में होती है, यानी एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में हो सकती है. ये फर्स्ट पॉलीमर है जो मैन के फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर है जो मैन मेड है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर है बेकेलाइट. ठीक है, काफी मजबूत होता है. इसमें क्रॉस लिंक पाए जाते हैं, इसमें क्रॉस लिंक होते हैं जो इसे मजबूती प्रदान करते हैं, तो इसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी कहते हैं. थर्मोसेटिंग प्रकार का पॉलीमर है ये. थर्मोसेटिंग का मतलब ऐसे पॉलीमर जिन्हें गर्म करने पर वो पिघलते नहीं है बल्कि मजबूत होते चले जाते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं. ठीक है, चलिए बनाने की विधि देखते हैं. तो कैसे बनाते हैं? पहली स्टेप है, फिनोल जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फिनोल की फॉर्मूला उतार रहा हूँ मैं, फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ये है फिनोल. अगर इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा दी जाए एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का निर्माण होता है. ये फिनोल हो गया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लग जाता है CH2OH, और साथ ही पैरा पोजीशन पर भी लग जाता है CH2OH. इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल. ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल. ये ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ये बेंजिल ग्रुप है पूरा अल्कोहल. ठीक है, इसी तरह ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल. देखिए होता कैसे है, जनरल मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है फिर भी मैं समझा देता हूँ. ये है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्मेल्डिहाइड. अम्ल की उपस्थिति में ये कहाँ अटैक करेगा? इसके लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं. क्या बनता है? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. ओ एच पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर दिए इसने. ओ एच कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा. क्या बनेगा? एच सी ओ एच. अब किस पे कमी हो गई? कार्बन पर. कार्बन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रॉन इसमें ही इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो फिनोल की ऑर्थो पैरा पर अटैक करता है और जुड़ जाता है. ठीक है, सी एच टू एच है ये, सी एच टू एच जुड़ जाए. ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई कि ये सी एच टू एच इजिली इसके यहाँ पर ऑर्थो पर और पैरा पर अटैक करेगा और इजिली जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी अल्कोहल का निर्माण हो जाता है. ठीक, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गई कि फिनोल, ये फिनोल है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके अम्लीय माध्यम में ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है. चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं. सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होता है. ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है, पैरा नहीं, ऑर्थो जो अधिक मात्रा में बनता है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल अपने दूसरे अन्य ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर जाता है. देखिए कैसे, ये है ऑर्थो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, इसी तरह दूसरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कर जाता है CH2OH, OH, प्लस इसी तरह बहुत सारे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल आपस में रिएक्शन कर लेंगे CH2OH. देखिए इनको जब गर्म किया जाएगा तो इस यहाँ पर मौजूद है H, यहाँ पर मौजूद है H,
और यहाँ पर भी H, इसका OH और H मिलके क्या बना देंगे, H2O, जब इन्हें गर्म के। इसी तरह ये OH भी काम आएगा क्योंकि बहुत सारी चेन आएगी आगे की तरफ, बहुत सारी चेन चलेगी, इसी तरह ये H भी काम आएगा आगे बहुत सारी चेन चलेगी। तो एक पॉलीमर का निर्माण होगा, देखिए मैं निर्माण कर रहा हूँ उस पॉलीमर का, आप भी बनाते जाएं साथ के साथ। क्या हो गया, CH2 आ गया, ये रिंग जुड़ गई आपस में, इसी तरह ये CH2 की सहायता से ये रिंग लगातार जुड़ती चली जाएगी। इसी तरह यहाँ CH2 से रिंग जुड़ी आगे की तरफ, यहाँ भी जुड़ती चली जाएगी, इसी तरह असंख्य अणु जुड़ते चले जाएंगे। मान लेते हैं कितने अणु, इनकी संख्या कितनी हो गई, n। तो ये बन गया एक रेखीय पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर का निर्माण हो गया, रेखीय बहुलक। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल आपस में दूसरे अणु अनोखा रिएक्शन कर जाता है और रेखीय बहुलक बनाता है, जिसे बोलते हैं नोवोलेक। इसका नाम है नोवोलेक, रेखीय पॉलीमर नोवोलेक, क्लियर। अब ये नोवोल कैसे बना, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, फिर दूसरा हाइड्रोक्सी बेंजिल, फिर तीसरा, और ये आपस में यहाँ से H2O निकलेगा, इसका भी H2O निकलेगा, जब गर्म करेंगे इन्हें हीट करेंगे तो यहाँ से इसी तरह इसका भी काम आएगा, क्योंकि इस तरफ भी चेन चल रही है, इस तरफ भी चेन चल रही है, एक नवरेखीय पॉलीमर बन गया नोवोलेक, क्लियर। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, ये जो रेखीय पॉलीमर नोवोलेक बन चुका है, इस ये नोवोलेक यूरोट्रोपिन की उपस्थिति में, यूरोट्रोपिन की उपस्थिति में, यूरोट्रोपिन का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, CH2 का होल 4, यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला है CH2 का होल 6N4, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो ये जो नोवोलेक बना है, ये यूरोट्रोपिन की उपस्थिति में अपनी एक लेयर के साथ दूसरी लेयर के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी आपस में इनकी लेयरें रिएक्शन कर लेती है। तो देखिए क्या होगा, मैं नोवोलेक की एक लेयर बनाऊं यहाँ पर, आप भी साथ के साथ बनाते चले। ये नोवोलेक की एक लेयर मैंने बना दी है, इस तरह आगे भी जुड़ती चली जाएगी, आगे भी, दूसरी लेयर में बना रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन उल्टा करके बनाई जाएगी लेयर, ये लेयर जो होगी उल्टी बनानी है आपको। देखिए इस तरह से यहाँ CH2, इसका उल्टा कर दिया मैंने, इसी तरह यहाँ CH2, इसी तरह यहाँ CH2, और ये चेन चलती चली जाएगी, यहाँ H, सॉरी ये मतलब इस तरफ चेन चल रही लगातार, क्लियर। नीचे OH, 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 ठीक है। नोवेले की एक लेयर, दूसरी लेयर किसकी प्रेजेंस में, यूरोट्रोपिन CH2 का होल 6N4 पे। इसका काम है ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड प्रदान करना, HCHO का अणु प्रदान करना, फॉर्मेल्डिहाइड प्रदान करेगा ये हर फिनोल के एटम को। देखिए यहाँ H है, इसी तरह यहाँ पर भी H है, H, 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 ये क्या करेंगे, यहाँ से H2, इसी तरह यहाँ से H2, इसी तरह यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, माइनस H2, और ये लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर से CH2 की सहायता से, इस CH2 की सहायता से जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये बीच में कौन, दोनों लेयर की वजह से CH2, ये CH2 आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी लेयर, इसी तरह हर प्रत्येक लेयर CH2 की सहायता से लगातार जुड़ती चली जाएगी, हर रिंग CH2 की सहायता से जुड़ जाएगी, और ये आपस में जुड़ी हुई है CH2, CH2, इसी तरह इस तरफ, इस तरह यहाँ OH, 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 यहाँ पर भी है CH2, CH2, इसी तरह इस तरफ भी CH2, और इस तरह यहाँ क्या है OH,
सिंपली हमने केवल लेयर दो लेयरों को आपस में जोड़ा है CH2 की सहायता से, और कितने अणु, बहुत सारे अणु ले लेंगे तो एन आ जाए, तो ये बन गया आपका बेकेलाइट। और इस बेकेलाइट में देखिए एक लेयर दूसरी लेयर से इस CH2 के क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़ गई, CH2 का क्रॉस लिंक बन गया इनके बीच में, तो यानी कि ये मजबूत हो जाता है CH क्रॉस लिंक की वजह से, और इन्हें खींचेंगे एक लेयर को दूसरी लेयर से खींचेंगे तो CH2 साइड खींचेगी, छोड़ते ही वापस अपनी जगह आ जाएगी। तो सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में यूरोट्रोपिन का काम क्या है, यूरोट्रोपिन का काम है ड्यूरिंग रिएक्शन क्या प्रदान करना, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रदान करना, ये फॉर्मेल्डिहाइड का प्रदान करता है और एक लेयर दूसरी लेयर की सहायता से जुड़ती चली जाती है, क्लियर। तो ये है बेकेलाइट। लास्ट आगे है इसके यूज बेकेलाइट के, तो ये यूज है इसका, यूज होगा स्विच बनाने में, मशीन पार्ट्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एडेसिव और बाइंडिंग एजेंट बनाने में, और इसके अलावा हैंडल्स बनाने में, यूटे इत्यादि में काम आता है। तो ये तो है बेकेलाइट। तो इस तरह से नाइलॉन का, सॉरी बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इसको। देखिए बेकेलाइट जो है कंडेंसेशन पॉलीमर से, पॉलीमराइजेशन से बनता है, कंडेंसेशन समझते होंगे आप, जिसमें H2O या NH3 छोटा अणु बाहर निकलता है, इसमें आपने पूरी मैकेनिज्म देखा है H2O बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, इसलिए इसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। पहला प्लास्टिक का जो सिंथेटिक प्लास्टिक है वो पहला है ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑर्थोपेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बना फॉर्म रिएक्शन से। सेकेंड स्टेप में वो जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बना था उसने आपस में रिएक्शन करी और बनाया नोवोलेक, और थर्ड स्टेप में नोवोलेक के दूसरी एक लेयर दूसरी लेयर से यूरोट्रोपिन की उपस्थिति में रिएक्शन कर जाती है और बना लेती है क्रॉस लिंक बेकेलाइट। क्रॉस लिंक किसके होते हैं ये सवाल आ जाता है इसके अंदर, इसके अंदर जो सवाल आ जाता है वो ये है कि बेकेलाइट में क्रॉस लिंक किसके होते हैं, तो क्रॉस लिंक मेथिलिन यानी CH2 के होते हैं, ठीक है। अब यूज क्या है वो आप याद कर लें, यूज इतना टफ नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉलीमर नाइलॉन, इसके बाद नेक्स्ट पॉलीमर है नाइलॉन, नाइलॉन 66। देखिए नाइलॉन 66 भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन मैकेनिज्म बनता है संघनन पॉलीमराइजेशन से, संघनन का मतलब जिसमें H2O या छोटा अणु बाहर निकलता है। दो तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं, एक योगात्मक और एक संघनन, ठीक है। तो देखिए नाइलॉन 66 का निर्माण कैसे होता है, नाइलॉन 66 जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन तथा एडीपिक अम्ल से बनता है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन तथा एडीपिक अम्ल। तो ये तो है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, मेथिलीन का मतलब CH2 6 है और डाइअमीन 2NH2, एडीपिक अम्ल होता है CH2 का होल 4 CW दोनों साइड, क्लियर। अब देखिए यहां से OH और इसका 1H, इसी तरह इधर भी एडीपिक अम्ल होगा, चेन चलेगी इधर भी, इधर भी हेक्सामेथिलीन डायमीन होगा, तो इसका भी क्या काम आएगा OH, और इसका भी क्या काम आएगा H। तो क्या हो जाएगा, इधर तो बचा CO, CH2 का होल 4, फिर यहाँ बचा CONH, जुड़ गए दोनों आपस में, फिर CH2 का होल 6 और NH का होल N और H2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये जो है ये दोनों जहां से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं यहां से, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है एग्जैक्टली, अगर इसको लिखा जाए NH CH2 का होल 6 C डबल बॉन्ड O का होल। ये जो लिंक है ये क्या कहलाती है, एमाइड। ये लिंक कौन सी है, एमाइड, इसलिए इस पॉलीमर को पॉलीएमाइड भी कहते हैं, क्योंकि एमाइड बहुत सारे होंगे इसमें, इसलिए ये लिंक वो क्या कहलाता है, पॉलीएमाइड भी कहलाता है। और ये प्रोटीन में जो पाई जाती है, प्रोटीन जो होता है हमारा, उस प्रोटीन के अंदर जो लिंकेज पाई जाती है वैसी की वैसी लिंकेज होती है इसमें, प्रोटीन में भी एमाइड लिंकेज पाई जाती है, इसी तरह इसमें भी एमाइड, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करके एमाइड लिंकेज के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर भी एमाइड लिंकेज पाई जाती है। नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, देखिए इसकी एक यूनिट में एक कार्बन 5 और एक 6, फिर ब्रेकिंग आ गई NH की, फिर 6, तो एक यूनिट में 6-6 कार्बन की पुनरावृत्ति है, इसलिए 6-6 कार्बन की रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए
इसका नाम रहा नाइलॉन 66। क्लियर। यूज कहाँ कहाँ है, फाइबर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कारपेट बनाने में, ओल्डेड पार्ट्स बनाने में, इसके अलावा एयरबैग, अपैरल और कारपेट बनाने में, पॉपुलर गिटार नट मटेरियल में भी काम आता है, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या आ जाता है कि नाइलॉन 66 में किसकी लिंकेज पाई जाती है, तो वो किसकी होती है, एमाइड की लिंकेज पाई जाती है, या एमाइड लिंकेज पाए जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, तो नाइलॉन 66 है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉलीमर और होता है नाइलॉन 610। नाइलॉन 610 देखिए सिंपल है, हेक्सामेथिलीन डायमीन तथा सेबेसिक एसिड से होता है। एडीपी की जगह क्या है, दूसरा पॉलीमर क्या नाम क्या है, नाइलॉन 610। ये किससे बनता है, वही हेक्सामेथिलीन हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडीपी कंप, सॉरी एडीपी से तो नाइलॉन 66 बनता है, सेबेसी कंप कुछ भी चेंज नहीं है, जो ये स्ट्रक्चर है इसमें ये चार की जगह होता है आठ, चार की जगह क्या होता है आठ होता है, और सेम टू सेम स्ट्रक्चर है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो क्या होगा, ये तो नाइलॉन डबल ये हो गया हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस ये हो गया सेबेसिक एसिड, CH2 का होल फोर की जगह कितना है एट, सेम यहाँ से एच इसका जाएगा, यहाँ से एच और ये ओ एच में एच टू बनाएंगे, इसी तरह इसका ओ एच क्या बना NH CH2 का होल सिक्स NH सी डबल बॉन्ड CH2 का होल एट सी डबल बॉन्ड ओ का होल N और क्या निकलेगा बाहर H2। ठीक है, 2N-1 H2 निकल जाएगा, तो ये बन गया सेबेसिक एसिड, ये नाइलॉन 610 नाम क्यों पड़ा, वही एमाइड लिंकेज है सेम जैसे नाइलॉन 66 में थी। ठीक है, सेम एमाइड लिंकेज है जैसे नाइलॉन 66 में थी, सेम वही करेक्टर है सब कुछ, प्रोटीन की तरह लिंकेज पाई जाती है, लेकिन 610 क्यों बोलते हैं, तो 6 कार्बन तो ये रहे और 1 5 8 1 9 और 1 10 कार्बन ये रहे, तो 10 तो यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 6 और का 10 कार्बन का रिपीटेशन है, इसलिए नाइलॉन 610 बोलते हैं। सेम यूज है कारपेट वगैरह बनाने में। तो ये दो पॉलीमर जनरली एग्जाम में आते हैं, टिप्पणी के रूप में आ जाते हैं, ढाई ढाई नंबर के, तो ईजी है, पढ़ें और राइट डाउन भी कर लिया हुआ। थैंक यू।